बहावलपुर में कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों के इस्तेमाल का नया अंदाज। बहावलपुर के तालिबेइल्म सफीउल्ला ने गर्मी का तोड़ इजाद कर दिया। सादा हार्डबोर्ड की शीट में कोल्ड ड्रिंक की बोतलों को तरतीब से लगाने और इसको विंडो या कमरे में हवा दाखिल होने के रास्तों में लगाने पर ठंडी हवा इको एयर सिस्टम की बदौलत हासिल करें, जिसके बायस ना तो बिजली की जरूरत है और ना ही सोलर प्लेट की। नहायत ही कम लागत पर तैयार होने वाला इको एयर कूलर सिस्टम देही इलाकों और चोलिस्तान जैसे गर्म इलाकों के लिए किसी नेमत से कम नहीं, जहां ना तो बिजली है और ना ही कोई दूसरा मुतबादिल निजाम। बारे में सफीउल्ला बताते हैं। मैंने ये इको कूलर फिल्टर एयर बनाया है पाकिस्तान में, खास तौर पे डेजर्ट एरिया के लोगों के लिए, जैसे थर पर 5 डिग्री तक रूम टेम्परेचर जो है वो ख़त्म हम कर सकते हैं। मैंने एक ये बॉटल ली, कट किया, उसके बाद मैंने इस पर ये एक जाला लगाया, वुड की शीट ली, उसको मैंने फिर उसमें ये आप देख सकते हैं जैसे कि ये होल्स निकाले और उनको इसमें मैंने फिल कर दिया। उससे ये हुआ कि ये जो गर्म लू जो बाहर चलती है उसको हमने ठंडी और ठंडी हवा में बदल दिया। इको एयर कूलर सिस्टम गरीबों और कम आमदन वाले तबके के लिए ठंडी हवा हासिल करने का एक आसान जरिया है। सफीउल्ला की वालदा बताती हैं। मुझे अपने बच्चे और तमाम पाकिस्तानी बच्चों से इसी बात की तवक्को है कि वो कोई ना कोई इन्वेंशन करें और ज़रूर इन्वेंशन करें, और ये मुख्तलिफ तजर्बात करता रहता है। इसने और भी बहुत से तजर्बे किए हैं जो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे स्टूडेंट्स को बनाए, हमारे बेटों को बनाए। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारी नौजवान नस्ल के टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम इससे मुस्तफीद हो सकें। कैमरामैन रशीद निज़ामी के साथ सरोश इफ्तखार, 92 न्यूज़, बहावलपुर।